मंगलयान ने कहा अलविदा। 8 साल के सफर के बाद ईंधन और बैटरी हुई खत्म। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि मार्स ऑर्बिटर यान ने लगभग 8 वर्षों तक काम किया, जबकि इसे 6 महीने की क्षमता के हिसाब से बनाया गया था। उन्होंने कहा, इसने अपना काम बखूबी किया और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त किए। मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013 को पृथ्वी से लॉन्च किया और 24 सितंबर 2014 के आसपास इसे मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया। उस समय मंगल की कक्षा में सफल प्रविष्टि करने वाला भारत, अमेरिका, यूरोप और रूस के बाद 4th देश था और एशिया में ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बना। मंगलयान का प्राथमिक मिशन मंगल ग्रह के परिदृश्य का अध्ययन करना था, ताकि मानवता को यह समझने में मदद मिल सके कि ग्रह में क्या शामिल है, जो भविष्य में बेहतर मानवयुक्त मिशनों की योजना बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए ऑर्बिटर को 5 अत्याधुनिक उपकरणों, मास कलर कैमरा MCC, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर TIS, मंगल के लिए मीथेन सेंसर, मास एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और साथ ही एक लाइमन अल्फा फोटोमीटर से लैस किया गया था। अंतरिक्ष यान में अत्याधुनिक हार्डवेयर होने के बावजूद मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM को सबसे किफायती मंगल मिशन होने के लिए भी सराहा गया, जिसकी लागत केवल $75 मिलियन या लगभग 450 करोड़ रुपए थी। वहीं US के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर को 2005 में लॉन्च किया गया था, जिसकी कुल लागत $716.6 मिलियन थी, जो की लगभग 10 गुना ज्यादा था मिशन मंगल से। मिशन मंगल का बजट उस समय की कई हॉलीवुड मूवी से भी कई गुना कम था। साल 2012 में आए एवेंजर्स मूवी का बजट $220 मिलियन था, जो कि मिशन मंगल के बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसके लिए इंडियन साइंटिस्ट्स एंड इसरो को सैल्यूट है। मार्स ऑर्बिटर को केवल 6 महीने तक मंगल की कक्षाओं के आसपास रहने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि यह अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में कामयाब रहा और लगभग 8 साल तक महत्वपूर्ण डेटा भेजता रहा। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके छोटी लाइफ के कारण MOM अपने सभी उद्देश्यों को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश के 6 महीने के भीतर पूरा करने में सक्षम था और 1 वर्ष के भीतर इसने अपने सभी मिशनों को पूरा कर लिया। भारतीय वैज्ञानिकों को 2015 के मई और जून के दौरान 16 कोरोना का निरीक्षण करने का अवसर भी मिला, जब मंगल और पृथ्वी सूर्य के विपरीत दिशा में थे। 16 कोरोना, जिसे अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैलने के लिए जाना जाता है, उसके एस बैंड तरंगों की डिटेल्स उस समय मंगलयान जारी कर रहा था। इससे सूरज की सतह और अचानक तापमान परिवर्तन के क्षेत्रों में रिसर्च में मदद मिली। MOM की अत्यधिक अंडाकार कक्षा और जियोमेट्री के कारण जुलाई 2021 में इसका मास कलर कैमरा 3.7 किलोमीटर के स्पेशल रिजोल्यूशन और 75,000 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ग्रह की एक पूर्ण डिस्क छवि को कैप्चर करने में कामयाब रहा। मंगलयान के मास कलर कैमरा ने 1100 से ज्यादा तस्वीरें भेजी, जिसकी मदद से इसरो ने एक मास एटलस बनाया है, जिसमें आप मंगल ग्रह के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। मंगलयान की वजह से उस पर 35 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हुए, वह भी पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। पहली बार मंगल ग्रह के चंद्रमा डीमोस की तस्वीर तब ली जब मंगलयान मंगल ग्रह की अंडाकार ऑर्बिट में सबसे दूर चक्कर लगा रहा था। इसके पहले देश में किसी ने डीमोस की तस्वीर नहीं देखी थी। मंगलयान ने सौर ऊर्जा से संबंधित सोलर डायनेमिक्स की स्टडी की, मंगल के वायुमंडल के जरिए पूरे ग्रह पर आए धूल के तूफान की स्टडी की, मंगल ग्रह के एक्सोस्फेयर में हॉट ऑर्गन की खोज की। मंगलयान के MENCA यंत्र ने बताया कि मंगल की सतह से 270 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन और CO2 की कितनी मात्रा है। देश और इसरो के वैज्ञानिकों ने कभी नहीं सोचा था कि वो मात्र 450 करोड़ रुपए में इतना बड़ा मिशन पूरा करने जा रहे हैं। पहली बार में अपने अंतरिक्षयान को वो मंगल ग्रह तक पहुंचा पाएंगे, जबकि अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे देश कई बार फेल होने के बाद मंगल ग्रह तक पहुंच पाए थे। मंगलयान के सही समय और एक ही बार में मंगल पर पहुंचने से इसरो की इज्जत दुनिया भर में बढ़ गई। उसे अलग अलग देशों से सैटेलाइट लॉन्च करने के ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। स्पेस कॉमर्स सर्विस और सैटेलाइट इमेजरी के लिए डील्स मिले। सिर्फ एक मिशन से ही इसरो को इतना फायदा हुआ कि जिसके बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है। मंगलयान सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, यह देश के लिए गौरव की बात थी। बच्चे, छात्र छात्राओं, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय साइंस तकनीकी समुदाय के लिए रोचक विषय बन गया था। भारत की युवा पीढ़ी में साइंस और इसरो को लेकर जिज्ञासा बढ़ी। करीब 3 साल तक सिर्फ मंगलयान और इसरो की चर्चा होती रही, खबरें छपती रही, लोगों के बीच इसरो के अन्य मिशनों को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई। लेकिन अब इसरो का मंगलयान मिशन खत्म हो चुका है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM से संपर्क टूट चुका है। इस मिशन ने इसरो और भारत को बहुत कुछ दिलाया, लेकिन अब इसके जीवन का अंत हो चुका है।